इस खूबसूरत कंवल के फूल को आप कुछ चौकोर कागज़ों और गोंद की मदद से बना सकते हैं। पहले एक गुलाबी रंग का मुरब्बा नुमा कागज़ लें, इसके दो भीतर को तय करें, कागज़ को खोलें और दूसरा भीतर तय करें। इसके बाद दो तिकोण तय करें। अब ये तिकोण बिल्कुल खरगोश के कान की तरह नज़र आएगा। इन्हें थोड़ा सा दबा कर दो फूल की पंखड़ियाँ बनाएं। ये आपका एक यूनिट है। ऐसे आप 5 यूनिट बनाएं। फिर एक कार्डशीट के दायरे पर गोंद लगाकर इन 5 यूनिटों को दायरेवी शक्ल में चस्पा करें। इस तरह से आपके कंवल की बाहरी पंखड़ियाँ बन जाएगी। फिर एक पीले रंग का कागज़ लें, इसका भी एक भीतर तय करें, इसे खोलें, फिर दूसरा भीतर तय करें, फिर इसमें भी पहले की तरह दो तिकोण तय करें। अब कागज़ को खोलें और इसे दरमियानी लकीर पर तय करें और इसके कोने को दरमियानी लकीर तक तय करें। फिर कागज़ को खोलकर पहले की तरह दो खरगोश के कान बनाएं। अब इन दोनों पंखड़ियों को एक दूसरे पर फंसा दें और फिर आपस में गोंद से चस्पा करें। इस तरह से 5 यूनिट बना लें। ये रहा आपका फूल का बैरूनी हिस्सा। पलटा कर भी देख सकते हैं। अब इन 5 यूनिट्स को गोंद लगाकर आपस में चस्पा कर लें। इन्हें चस्पा करने से आपको कमल का दरमियानी हिस्सा हासिल होगा। ये रहा इसका दरमियानी हिस्सा। सेंटर पीस। अब जो गुलाबी कंवल के फूल का बैरूनी हिस्सा है, इसके बिल्कुल दरमियान में गोंद लगाएं और फिर पीले दरमियानी हिस्से को चस्पा कर दें और उंगलियों से अच्छी तरह दबा दें। देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है आपका कमल का फूल।